भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि माननीय ओपी गहलोत जी, लायंस क्लब के अध्यक्ष बहन लता जी, पूर्व लायंस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय दिक्की भैया, आदरणीय डांबी जी, आदरणीय राजेश भैया, आदरणीय हमारे इस वार्ड के यशस्वी पार्षद यादव जी, आदरणीय 5 नंबर वार्ड के पार्षद चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब और आपका नाम बताओ राजा है, आदरणीय पप्पू भैया, अन्य उपस्थित यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ना, मोती भैया हैं, चुन्नी भैया, दौलत भैया, डॉक्टर पवन शर्मा जी हैं, लता जी हैं और भैया लोग, आप सब लोग हैं। सबसे पहले मैं नाम बता राजा भैया आपका, दिनेश जी दादी साहब, आज आपका जन्मदिन है इसलिए मैं उनको सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। डाबी परिवार में ये जो पूरा आज ताना बाना बुना है लायंस क्लब के सहयोग से, और मुझे लगता है कि इसमें एक अभूतपूर्व सहयोग संजीवनी संस्था का है, और संजीवनी संस्था के बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागदा के एक युवाओं की इतनी अच्छी टीम है, और विशेष करके मैंने इनके जज्बे को, इनकी ताकत को, इनके उत्साह को मैंने कोरोना जैसी महामारी में देखा था कि जब लोग अपने परिवारों को भी गए जिंदा लेके, लेकिन माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर नमन, आप सभी मंचा से अतिथियों को मेरा नमस्कार, प्रमुखता से डाबी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये रक्तदान शिविर लगा के लोगों को जागरूक करने का एक मौका दिया। शिविर में मैं सारी चीज़ें, हमारे पास समय कम है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण में नहीं बोलते हुए मैं, जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा था, थैलेसीमिया, मैं माइक पे कम बोल पाता हूँ इसलिए मैं बीच में आते आप सभी ने थैलेसीमिया के बारे में सुना है, बाकी कोई जानता है थैलेसीमिया क्या है? आप में से कोई आपने तो जानकारी नहीं है, ये नहीं बोल पाऊंगा। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो विनम्र अनुरोध करूंगा हमारे नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से, जिस तरह से सरकार ने पोलियो के बारे में बहुत सारी हमें जागरूकता की है और आज पूरी तरह से हमारे देश में पोलियो नष्ट हो चुका है, कहीं नहीं है, इसी प्रकार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नागदा नगर में थैलेसीमिया जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाए, दीवारों पर पेंट करवाए, मतलब मैं आपको थैलेसीमिया क्या है बताता हूँ। और थैलेसीमिया हेलो, थैलेसीमिया एक होता है थैलेसीमिया मेजर और एक होता है थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया माइनर हम में से कोई भी हो सकता है, थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होता है, हम में से कोई भी थैलेसीमिया माइनर थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, जिसका माइनर इन द केस वो एकदम स्वस्थ है, माइनर मतलब कोई बीमारी नहीं है हमें, सिर्फ हम इतना है कि हमारा जो HB है, हीमोग्लोबिन हमारा सिर्फ 10, 11, 12 इससे ज़्यादा नहीं होता है, थैलेसीमिया माइनर वो होता है, हम किसी को रक्तदान नहीं कर सकते, थैलेसीमिया माइनर बच्ची के एकदम स्वस्थ व्यक्ति, और थैलेसीमिया मेजर जो होता है वो बच्चे होते हैं जिनको जन्म के 3 महीने बाद से सिर्फ ब्लड ही चढ़ता है, मतलब सिर्फ हमारे दिए हुए या आपके दिए हुए रक्तदान पर ही वो जीवित रह सकते हैं।
थैलीसीमिया मेजर का जो होता है वो ब्लड उनका शरीर एचबी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता। अब ये होता कैसे पहले अपन ये जानते हैं। गूगल कहता है थैलीसीमिया हमारे देश में 4 करोड़ लोग थैलीसीमिया माइनर है। थैलीसीमिया माइनर मतलब स्वस्थ व्यक्ति। जब दोनों माइनर आपस में शादी करते हैं है ना, दोनों माइनर जब आपस में मिलते हैं तो 50% चांस ऐसे होते हैं कि वो ऐसी संतान को ऐसे बेटे बेटी को जन्म देंगे जिनको जन्म के बाद से 3 महीने के बाद से रक्त की आवश्यकता लगेगी जब तक वो जिएंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक इलाज साइंस बोलता है बोन मैरो ट्रांसफर, जिसका खर्च लगभग 35 से 40 लाख रुपए है, जो हर किसी के संभव में नहीं है। आदरणीय चंद्रशेखर जी जैन, आदरणीय मदनलाल जी फोरवाल, आदरणीय शाला सर, आप सभी का स्वागत करें। संजीव जी के बारे में निश्चित में पेपरों में और अपने सहयोगियों से सुनता रहता हूँ। अभी चंद्रशेखर जी से मेरी चर्चा हुई कि ये हो सकता है कि ऑन कॉल पर जरूरतमंदों को पूछा सकते, ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ दुनिया में मारकाट और खून बहा जा रहा है, ये संजीवनी अपने प्रयासों से ब्लड इकट्ठा करके उन जरूरतमंदों को दे रही है जो जीना चाहते हैं। तो जिनको जीता रखना समाज का कर्तव्य है। आज किसी के पास भी टाइम नहीं है तो टाइम दे रहे हैं वो बताइए। मैं ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जा रहे थे, उस रोज भी पूरी टीम ने जनसेवा के अंदर सभी डॉक्टर्स की उज्जैन से टीम आई थी स्पेशल, उनके माध्यम से उन्होंने करीब कितना 51 डोनेशन मतलब ब्लड डोनेशन दिया। उत्साह के साथ मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं मतलब सेवारत लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं ये शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। वो निश्चित पूरी टीम बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और सभी मंजा सिंह अतिथिगढ़ एवं यहाँ पधारे हुए सभी नागरिक जनों का आभार प्रदर्शन करें। भारत माता की जय।